तो हेलो फूडी, स्वागत है आपका फूडी संसार चैनल पे। आज हम आए सरदार जी जीप वाले, जो कि सेक्टर 8 में लोकेटेड है। आज हम इनके पास इनकी थाली, स्पेशल थाली ट्राई करने जा रहे हैं। उसकी रेट है 140 रुपीज़। उसमें हमें मिलने वाला शाही पनीर, राजमा, दो रोटी, चावल, सलाद और कीमा चाप, वेज कीमा चाप। यहाँ पर इनके पास पापड़ भी मिलेंगे, उनको हमने नाम दिया डिस्को पापड़। थोड़े छोटे छोटे हैं, हमें काफ़ी क्यूट से हैं। हम यहाँ पर काफ़ी टाइम से आने का वेट कर रहे थे, आज हम आई गए। और आइए आप उनकी मेकिंग दिखाते हैं और उसको टेस्ट करके बताइए कैसा है। और आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ है, और भीड़ देख के भी खाने का टेस्ट का अंदाज़ा बता सकते हैं। तो जी, अब हमारी थाली लगने जा रही है। इसका प्राइस कितना अंकल जी? 140 खाने के लिए है। अच्छा, 140 है पैकिंग में। अच्छा, 140 पैकिंग में। ये क्या पापड़ है? ये बाइट साइज पापड़ है। अच्छा, और साथ में प्याज, धनिया पुदीने की चटनी, सोयाबीन वाले चावल। ये बासमती राइस यूज़ होता है? नहीं सर, बासमती नहीं होते। लोग बासमती क्या क्या दुनिया बेचती है, हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे। ये कौन सी? अच्छा, चापे। ये वेज कीमा चाप है। वेज कीमा चाप। ये बात बढ़िया लगी आपकी कि हांडी में रखा हुआ है। इसमें 3 सब्जी मिलती हैं, कीमा चाप, वेज कीमा चाप, वेज कीमा चाप है, शाही पनीर है, शाही पनीर, पनीर के लिए अच्छे से पीसेस डाल दिए। राजमा कड़ी में से ऑप्शन आता है, जिसको जो चाहिए वो ले सकते हैं। अच्छा, राजमा कड़ी में से कोई चाहिए सर? ये एक थाली 4 रोटी के साथ 2 बंदों के लिए मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, इसके साथ साथ 4 रोटी भी मिलेंगी? 2 रोटी होती हैं। अच्छा, 2 रोटी एक्स्ट्रा लें तो 2 बंदे आराम से इसमें खा सकते हैं। अच्छा, अभी सफिशिएंट है 2 रोटी भी, साथ में चावल भी, और ये मिर्ची का अचार। मिर्ची का अचार मेरे को क्या, पापड़ बहुत पहले तो ये है। जो आपकी ये जो शॉप है, कितना टाइम हो चुका है इसको? अराउंड 21 साल हो गए। 21 साल से इधर ही? जी सर। अच्छा, ये जो मतलब जीप का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अलग सा ही आइडिया कि जीप में आप बेचते हैं, क्या मतलब किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए? कुछ डिफरेंट चाहिए था, कुछ डिफरेंट करना था, इसलिए लोग जैसे वैन वगैरह में लगाते हैं, तो मेरे पास जिप्सी थी, तो मैंने सोचा कि मैं जिप्सी से स्टार्ट करूँ। इससे पहले मेरे पास जीप थी। अच्छा, जीप से स्टार्ट की थी, अब जिप्सी आई है। अच्छा जी, और ये जो आपके पापड़ हैं, ये क्या आप खुद बनवाते हैं? हाँ जी, हमारे खुद के बनाते हैं। और जो ये खाना होता है, ये आप खुद बनाते हैं? आपकी सारी प्रिपरेशन खुद किया सर। जो थाली में आप सब्जियाँ देते हैं, वो कौन कौन सी सब्जियाँ होती हैं? सर, राजमा होते हैं, कड़ी होती है, चाप होती है, पनीर की आइटम जो होती है वो चेंज हो गई बनती है हमारे यहाँ। ओके, मटर पनीर और ये सब? मटर पनीर, पालक पनीर, या शाही पनीर, या क्या नाम है अपना, कोरमा। इनके साथ मतलब थाली में आपको 3 सब्जी मिलेंगी? जी सर। और 140 की थाली? 140 की थाली है। तो एक बार लोकेशन बता देंगे आप किधर की? सर, ये लोकेशन है रोहिणी सेक्ट्रेट का पेट्रोल पम्प, नियर हनुमान मंदिर। तो जी, हमारे पास अभी थाली आ चुकी है, इसके अंदर हमें दी गई 2 रोटी, वेज कीमा चाप, शाही पनीर, राजमा, पापड़, चावल और सैलेड, मतलब सैलेड के रूप में इन्होंने दिया हमें प्याज, चटनी और मिर्च का अचार, और इसके साथ हमें मिला है रायता। अब रायता देखिए, इसे 140 के अंदर इंक्लूड नहीं है रायता, एंड आप रायते के अंदर देख सकते हैं इन्होंने अनार भी डाल रखा है। कंसिस्टेंसी देखिए आप रायते की, आप देखिए राजमा की कंसिस्टेंसी, होममेड राजमा लग रहा है एकदम। इसको आप एक बार ही चावल के साथ ट्राई करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी राजमा चावल था, और जो इन्होंने चावल का मेंशन कीजिए बासमती चावल में, कि जो बंदे फेक भी बोल के कि बासमती बोल के बासमती नहीं बेचते, वो चीज़ अच्छी मेंशन की। बट जैसे कि मैंने राजमा चावल खाया, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी। एक बार मैंने शाही पनीर भी ट्राई कर, पनीर के क्यूब देखिए 4 क्यूब मिलते हैं इसमें आपको, और ट्राई करते हैं इसको हम रोटी के साथ। तो ये है दोस्तों शाही पनीर विद रोटी, सरदार जी चीज वाली की स्पेशल, जो पनीर की सब्जी जो हर दिन चीज़ होती है, कभी कभार मटर पनीर बनती है, कभी कभार कुछ, तो आज बने शाही पनीर, इसको भी टेस्ट करते हैं। रोटी बाहर की तवा रोटी है, जो पनीर मतलब एक तो गर्मा गर्म अलग ही टेस्ट आ रहा है, और जो पनीर है एकदम फ्रेश लग रहा है। टमाटर की खीर में मिक्सचर ऑफ टेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। जैसे कि शाही पनीर रहता है कि बोलते मीठा होता है, मीठा बन नहीं आ रहा है। अच्छी पंजाबी है लोगों को जो टेस्ट पसंद है ना, वही टेस्ट करते हैं। अब एक बार इनकी कीमा चाप जो काफ़ी ज़्यादा अलग सी लग रही है, उसको टेस्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट दे रही है। इसके साथ हम लेना चाहेंगे क्योंकि डिस्को पापड़, आप देख सकते हैं पापड़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी छोटे छोटे, मतलब ये जो हम इनके अगर राजमा चावल ले उस पर क्रश करने में कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मतलब दिखने से काफ़ी क्यूट है। टेस्टी का मैं बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा 140 की थाली है, मस्ट ट्राई है। इसके साथ आपको मिलते हैं चावल, रोटी, 3 सब्जी और सैलड और डिस्को पापड़ देख के कह सकते हैं आप। उसको आके जरूर ट्राई करिए सरदार जी जीप वाला। और अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ आना मत भूलना।